चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड कर लो क्या कह रहा है। एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई एग्जिस्ट अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज 0.5 कूलम थ्रू अ डिस्टेंस 2 मीटर अलोंग अ डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस इज 10 जूल, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले एक्सिस बना लेते हैं, ये है एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में कह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है। और क्या कह रहा है, वर्क डन मूविंग, मान लो यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है 0.5 कूलाम का, इसको मूव कराया जाता है इस डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 60 डिग्री के एंगल पे, बोल रहा है ना, मेकिंग एंगल विद द एक्स एक्सिस 60 डिग्री के एंगल पे यहाँ पे ले जाया जाता है, कितने डिस्टेंस 2 मीटर, मान लो ये डिस्टेंस है 2 मीटर, ठीक है 2 मीटर मूव कराया गया। और वर्क डन कितना हुआ, वर्क डन की वैल्यू जो हुई 10 जूल हुई, ठीक है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स डॉट एस या एफ एस कॉस थीटा होती है, और इस केस में फोर्स की वैल्यू क्या होगी, क्यू इंटू ई होगी, फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई होगी इंटू एस इंटू कॉस 60 डिग्री, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 60 डिग्री, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री है। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू इंटू एस इंटू कॉस 60 डिग्री। डब्ल्यू की वैल्यू क्या दी हुई है 10 जूल, क्यू की वैल्यू एसआई में सब दिया है ना 0.5 कूलम इंटू डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर इंटू कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 1/2 की 2 से 2 कटा ये आएगा 0.5 मतलब 1/2, 1/2 ऊपर जाएगा 2 ऊपर गया 20 वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर होना चाहिए, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है, ये वाला बी वाला डी वाला, ठीक है 20 वोल्ट पर मीटर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।